सोशल मीडिया का दिखा असर, 18 साल पहले बिछड़े को मिलाया अपनों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सोशल मीडिया ने 18 साल से बिछड़े को अपने परिवार से मिलाया है। अपनी उम्र के 8 साल में एक बच्चा घर से निकल गया और उत्तराखंड के रुड़की पहुंच गया, लेकिन आज फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए वो अपने घर वापस पहुंच सका है। चंद्रपुर के बल्लारपुर में रहने वाला जेकब फ्रांसिस अपने पिता के साथ हुई अनबन के कारण सन 2002 में घर छोड़कर चला गया था। उस समय जेकब 8 साल का था। घर से निकलकर जेकब एक ट्रेन में चढ़ गया और अलग अलग राज्यों और शहरों से घूमते हुए वो उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की पहुंच गया। वहां उसे भटकता हुआ देखकर आर्मी के रिटायर्ड अफसर ने अपने पास रख लिया और जेकब वहीं पर खेत के काम करने लगा। जेकब को अपने गांव का नाम पता नहीं था, वो अपना पता नहीं जानता था। आर्मी के अफसर के बेटे सुमित वर्मा ने कई बार फेसबुक पर जेकब के बारे में उसके परिवार को खोजने के संदर्भ में पोस्ट वायरल की और लगातार वो ये पोस्ट वायरल करते रहा। आखिरकार 18 साल बाद फेसबुक की ये पोस्ट रॉन्ग लाइक पोस्ट वायरल होते होते जेकब के भाई तक पहुंची। 8 साल का जेकब अब 26 साल का हो चुका था, इसीलिए उसके चेहरे में भी फर्क पड़ गया। फिर भी परिवार वाले ने जेकब को पहचान लिया और पुलिस की मदद से उसे घर लेकर आए। जेकब को सही सलामत देखकर घर वाले भी बहुत खुश है। जब गया था घर से, उसकी लगभग 9 से 10 साल की उम्र थी और घर में ऐसी थोड़ा सा इसको पिताजी ने डांट दिया था, उसके कारण ये गुस्से के कारण यहाँ से बलासा छोड़ के चला गया था। जब ये गया था तब 2002 में ये घर से चला गया था और आज 18 साल बाद ये रुड़की डिस्ट्रिक्ट करके है, वहाँ पे एक सुमित कुमार वर्मा करके जो भाई है, उनके पिताजी आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने इसे पिछले 8-10 साल से पाल रखा था। पुलिस स्टेशन बल्लार शहर के साई बाबा वार्ड के रहवासी जेकब रॉबर्ट फ्रांसिस उम्र 26, इनको उत्तराखंड से पुलिस और उनके फैमिली मेंबर्स के मदद से यहाँ बल्लार शाह में लाया है। वो 2002 में पिताजी के गुस्से की वजह से वो यहाँ से करीब उसकी उम्र उस समय 8 साल थी, उस टाइम वो भाग गया था और वो अभी हमको फेसबुक के जरिए उसका पता चला तो उसके फैमिली मेंबर्स और पुलिस की मदद से उसको यहाँ लाया गया है। अभी वो 26 साल का है और वो करीब 18 साल उत्तराखंड के रुड़की गांव में हरिद्वार जिला वहाँ पर एक एक्समन मिलिट्री के अधिकारी के घर में काम वगैरह करता था। अभी वो आया है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक है। मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है, विनती है कि अपने जो बच्चे हैं ये बच्चे ऊपर थोड़ा गुस्सा ना करते, उनको समझाए और ऐसी वारदात से बचे ताकि हमारे जो बच्चे हैं अगर ऐसे गुम अगर हो गए तो हम पूरी फैमिली परेशानी का सबक सबको मिल सकता है। 18 साल पहले जेकब के गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई थी। उसी के तहत जेकब का भाई एल्बर्ट पुलिस थाने पहुंचा और फेसबुक के पोस्ट की मदद से अपने भाई के मिलने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने भी पूरे मामले की जानकारी लेकर उत्तराखंड के रुड़की में रह रहे जेकब को वापस लेकर आए और परिवार को सौंप दिया। सोशल मीडिया को लेकर समाज में तरह तरह की सोच निकलकर सामने आती रही है। कोई इसे भावी पीढ़ी के लिए खतरा मानता है तो कोई इसे टेक्नोलॉजी की नज़र से बेहतर समझता है। अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया में कितनी ताकत है इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। TVL 24 न्यूज़।